उदयपुर से आपको खबर बता दें, जहां उदयपुर में वन विभाग के पिंजरे में एक मादा लैपर्ड कैद हुई है। दरअसल उदयपुर के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से पैंथर्स के हमले लगातार जारी हैं और अब तक 8 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो जयपुर में वन विभाग के पिंजरे में मादा लैपर्ड कैद हुई है। उदयपुर के लखवाली इलाके की घटना है ये। सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और लैपर्ड को सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में टीम लेकर गई। उदयपुर में वन विभाग के पिंजरे में मादा लैपर्ड कैद हुई, ये बड़ी खबर है। उदयपुर के लखावली इलाके की घटना बताई जा रही है और सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। लैपर्ड को सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में टीम लेकर गई। उदयपुर में पैंथर का मूवमेंट लगातार देखा जा रहा है। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि आखिर जानवर आबादी वाले इलाके में क्यों आ रही हैं, क्या वजह इसके पीछे हो सकती है। दरअसल शिकार की खोज में ये जंगली जानवर बाहर निकल रही हैं। बफर जोन में इंसानों की एक्टिविटी बढ़ी है और बफर जोन में बस्तियों के नज़दीक आते जा रही हैं, कि ये भी वजह हो सकती है। बस्तियों में शिकार करना इनके लिए बेहद आसान हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ संवाददाता विपिन जुड़ रहे हैं। विपिन, देखिए वन विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, मादा लेपर्ड पिंजरे में कैद हुई है, क्या कुछ टीम की तरफ से पूरी जानकारी दी गई है? ये बिल्कुल, ये जो गोविंदा में कथित आदमपुर पैंथर का जो शूटआउट किया था, उसके पास में दो दिन पहले कैमरे में, घर के बाहर कैमरे में ट्रैपेड पैंथर दिखा। उसके बाद ये एक ही दिन में, कल के दिन में, ये मादा पैंथर जो लखावली का एरिया है, यह भी गोविंदा जो हाईवे है, गोविंदा जानवर मार्ग, यहाँ गोविंदा करीबन 15 किलोमीटर की डिस्टेंस से रहता है, इसी लखावली में ट्रेप हुआ। दरअसल जिस तरह से जब आदमपुर का मूवमेंट लगातार अलग अलग एरियो में दिखाई दे रहा था, उसके बाद में वन विभाग की टीम ने जहाँ जहाँ सूचना और जहाँ जहाँ संदिग्ध परिस्थितियाँ लग रही थी, मूवमेंट संभावित नजर आ रहा था लेपर्ड का, उस जगह पर वन विभाग की तरफ से पिंजरे लगाए गए थे। उसी में से एक पिंजरे में ये मादा लेपर्ड ट्रैप हुई है और उसके बाद में इसे सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ले जाया गया है। और जहाँ जो आदमपुर को पकड़ने के दौरान चार पैंथर ट्रैप हुए थे, उनको भी सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रखा गया है। और लगातार वन विभाग की टीम भी छोटी छोटी टुकड़ियों में, पहले जब बड़ी बड़ा कैंप के रूप में वन विभाग की टीम तलाश कर रही थी, लेकिन अब उनको छोटा कर दिया गया है और छोटे छोटे ग्रुप में अभी भी लगातार निगरानी के तौर पर वन विभाग की टीम जंगल के पास में कैंप लगाकर तैनात भी लगाते हुए हैं। विपिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वन विभाग की टीम लगातार यहाँ पर कोशिश कर रही है पैंथर के रेस्क्यू के लिए, लेकिन आए दिन यहाँ पर एक्टिविटीज पैंथर के बढ़ रही हैं, सीसीटीवी कैमरे में कई बार मूवमेंट भी कैद हुआ है, ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है, ऐसे में अब आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं वन विभाग की तरफ से? बिल्कुल, दरअसल उदयपुर शहर के आसपास का एरिया पूरा अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है और इन्हीं हर एक पहाड़ी पर लगा पैंथर का आवास बताया जाता है और पैंथर भी है। जिस तरह से उदयपुर शहर के जस्ट नजदीक पालड़ी क्षेत्र में पहाड़ी पर दिखा, उसके बाद में सीसीटीवी पे बड़ी के तरफ कैद हुआ, उसके बाद में लखावली, ये तीनों जो छोर है उदयपुर शहर के आसपास है, जहाँ पर 18 घंटे के अंदर अंदर तीनों पैंथर का मूवमेंट देखा गया। तो वन विभाग की बात करें तो वन विभाग की टीम लगातार तैयारी तो कर रही है, मौके पर पहुंच भी रही है, लेकिन इनको पकड़ने के लिए या फिर इनका पूरी तरह से तैयारी कर, जो आवास की तरफ, आवासीय क्षेत्रों की तरफ नहीं आए, इसके लिए पूरी तैयारी नहीं की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पैंथर का जो एरिया है, जहाँ पर उनको जहाँ आवास है उनका, उस एरिया में शाकाहारी जो जानवर है उनकी काफी बड़ी संख्या में कमी है और पैंथर की जो तादाद है वो लगातार उदयपुर में बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि वो शिकार की तलाश में गाय, कुत्ते और इनके शिकार के लिए शहरी कस्बों में आ रहे हैं। ठीक है विपिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।